भाई जान कैसे आए हो आप सकते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है बाइक के ऊपर जो कि काफी शानदार होने वाली है और आप सबकी वो ड्रीम बाइक होने वाली है। इसलिए लुक्स करते हुए देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सी बाइक देखने को मिल जाती है। तो लेट्स गो। देखना तो हमारी कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। निकाल लेते हैं हमारी बाइक को। लेट्स गो। निकाल दो। ओके ये देखो आ गई हमारी ड्रीम बाइक। और भाई यार इसकी पैकिंग तो यार बहुत ही खतरनाक देखने को मिलती है। ओह माय गॉड यार देखो यार इतनी कितनी छोटी बाइक देखने को मिल जाती है। और इसके यार स्केल रेशो की बात करें तो इसका स्केल देखने को मिलता है 1:18 का इसका स्केल रेशो देखने को मिल जाता है। और भाई इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। और इधर देखो इधर इसका रेशो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसको बाहर भी निकाल लेते हैं और देखते हैं इसका लुक कितना शानदार है। भाई मुझे तो काफ़ी शानदार लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट में जो बताना। वाह देखो और भी आ रही पैकिंग काफ़ी तगड़ी यार देख सकते हो। अब इसको ओपन कर लें। यहाँ से करना है वो ओपन इधर। ये देखो ये निकल गया इसका सेफ्टी और ये आ गई हमारी बाइक। वाह तो भाई यार देखो यार कितनी शानदार देखने को मिलती है हमारी BMW R9 जो कि इसका नाम है। और देखो आगे इसका व्हील कितना शानदार है भाई, प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और ये है ना ये इसका ऊपर रबड़ की फ्रेम है और आगे दो दो डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इंजन की बात करो तो इसका इंजन देखने को मिलता है 1100 cc का जो कि काफी शानदार चलता है। और इसकी स्पीड की बात करो लगभग यार 200 की स्पीड में पार हो जाती है एक सेकंड में। वो कैसे होती है देखो यहाँ से यहाँ आई पता चला इतनी जोर की स्पीड है। दिखाई नहीं दे रही इतनी जोरदार स्पीड है इसकी। और इसकी ब्रांडिंग देखो बिल्कुल रियल ब्रांडिंग है वैसे वैसे देखने को मिलती है। और आगे हमें लाइट देखने मिलती है और इसके देखो प्रॉपर ब्रेक भी काम करे चू 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 चू। वाह भाई वो हैंडल देखो कितना शानदार। वो पूरी पूरी यार ये BMW रियलिस्टिक बाइक है। और यह देखो यहाँ पर सीट भी देखो। ओ भाई इसको देखो देखो शोकर बहुत गजब की बाइक है। इसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा ना तो ऐसे लचक लेने लग जाऊंगा, काफ़ी शानदार चलेगी। और यहाँ पर देखो इसके दो एग्जॉस्ट को एक साथ मिलाया गया यानी एक एग्जॉस्ट बनाया गया दो एग्जॉस्ट को मिला के। और देखो पीछे का व्हील इसका देखो बड़ा देखने मिलता है, आगे का व्हील छोटा छोटा देखने मिलता है यानी ये चौड़ाई में देखने मिलता है और ये हमें थोड़ा पतला देखने मिलता है। और इसके अंदर हमें ना चेन नहीं देखने मिलती, इसके अंदर हमें सिर्फ डायरेक्ट शाफ्ट से जुड़ा होता है, एक शाफ्ट होती है जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है और हमारे व्हील को घुमाती है। और ये इतनी तेज दौड़ती है इतनी दौड़ लगभग 200 से पार हो जाती है। और एक बार मैं तो ऐसे में ऐसे दौड़ जाऊँगा तो मैं गायब भी हो जाऊँगा इतनी जोर से दौड़ती है। वो देखो यहाँ पर इसका देखो प्रॉपर सस्पेंशन काम करा है जो कि यार काफ़ी शानदार देखने को मिलता है इस प्रकार का। देखो चू 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 चू। और ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर इतना प्रॉपर शानदार का शौकत देखने को मिलता है। और पीछे की बात करें तो पीछे हमें ये इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, प्लेट देखने को मिल जाती है और एग्जॉस्ट इसके इस साइड में होता है तो अच्छा रहता है, बाकी सब गाड़ी के इस साइड में होता है, हमारे इसके साइड में देखेंगे। और ये देखो इधर हमें स्टैंड देखने को मिलती है जो कि हमको इसको ऐसा खड़ा करने के लिए काम आएगी। और आगे की बात करें तो आगे इसकी हेडलाइट है जो कि रात को काम आएगी हमें ड्राइविंग करने के लिए। और इंडिकेटर वाइट देखने को मिल जाते हैं और आगे शॉकर नहीं यार आगे शॉकर नहीं है, बाकी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं देखते हैं किस प्रकार से चलती है हमारी ये BMW बाइक। तो बैठ जाऊँ मैं हाँ। देखो बैठने का प्रयास करता हूँ। टूट गया यार मैं टूट गया यार कोई बात नहीं हम इसके ऊपर नहीं बैठेंगे हम चलाएँगे। देखो 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 कितनी शानदार ये नीचे बैठ गई। ओहो 360 रोटेट करूंगा मैं इसको। एक व्हील पे घूम रही है वो गाड़ी तो ऐसे बाजती नहीं है बट बाजे डुक 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 ऐसे कौन बोलता है कमेंट में बताना भाई। गाड़ी चलाते हैं तब बोलते हैं जो एक घेर बता मेरी गाड़ी तेज भग रही यार मैं गाड़ी से तेज तो मैं भग रहा हूँ देखो टी वो 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 ओह हवा में उठ गई वो तो गाइस यार ये तो काफ़ी शानदार चल रही है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, वैसे प्राइस के हिसाब से बताएं तो ऐसी बिल्ड क्वालिटी इसकी कोई देखने को नहीं मिलती है यानी अच्छी नहीं देखने को मिलती क्योंकि हमने खरीदी है लगभग 700 रुपये में और अभी इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, अभी हो चुकी है इसकी 900 रुपये। तो गाइस देख सकते हो इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे, इसकी मांग बहुत ज़्यादा इसलिए ऊपर नीचे बढ़ जाती है। तो गाइस आप भी ऐसी परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा
तो वहाँ से आप जाकर इसे परचेज कर सकते हो। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार आपको ऐसे ही बाइक का शौक है मॉडल के तौर पर रखने का तो आप ऐसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी ऐसे मॉडल के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी चला तो सकते नहीं, क्योंकि ऐसी छोटी सी बाइक को लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे चलाएंगे ऐसे चलते नहीं रहो, बैठो तो टूट जाएगा। बाकी यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये यार शौकर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। पीछे बैठने वाला ना ऐसा ऊँचा कुछ करेगा, चू 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 चू। तो गाइस मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।